हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेमू कुमार। आज पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ यानी स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका में आज हम लोग हेल्थ सर्विस के दो फैसिलिटी हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस फर्स्ट नंबर पर यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में जानेंगे हम लोग। तो पब्लिक हेल्थ सर्विस हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स के बीच एक चेन की तरह होते हैं, यानी कड़ी के समान होता है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। यह सेंटर और हॉस्पिटल आपस में लिंकेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण यानी कि अर्बन और रूरल एरिया में सुविधाएं प्रदान करती है। और यहाँ पर सभी प्रकार के नॉर्मल जितना बीमारियाँ होती है उसका इलाज किया जाता है। इसमें विलेज लेवल पर एक हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पर एक नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर यानी ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है जिसे समान बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेंड यानी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। और यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC के डॉक्टरों के देख रेख में कार्य करता है, यह नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर, ठीक है। और इस प्रकार के सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है इन लोग। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो इन सभी हेल्थ सेंटर की देख रेख करता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल। इस हेल्थ सर्विस को कई कारणों से हम पब्लिक यानी कि सार्वजनिक कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है जो सभी नागरिकों की हेल्थ सर्विस देने के लिए हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर का स्थापना करता है ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिल सके और सभी लोग हेल्दी रहें। और ये पब्लिक हेल्थ सर्विस को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लोगों से टैक्स वसूलती है जिससे कि हेल्थ सर्विस चलता है, जिससे सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं को निशुल्क या फिर तो बहुत कम फीस लेकर कर सेवा स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है ताकि गरीब लोग भी अपना इलाज करा सके, ठीक है। फिर इसमें एक बात टैक्स के बारे में जान लेंगे, जो गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्स देते हैं और टैक्स क्यों दिया जाता है इसके बारे में जानते हैं हम। तो जो गवर्नमेंट है को हम टैक्स क्यों देना चाहिए, तो इसलिए देना चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स से प्राप्त जो मनी होता है उसका यूज डिफरेंट टाइप के सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, वो जिससे कि सभी नागरिकों को फ़ायदा पहुंचता है, जैसे में डिफेंस का, पुलिस का, या न्यायिक व्यवस्था का, या हाईवे का सेवा जो है, ये सभी लोगों को इससे प्रॉफिट होता है। टैक्स फंड से कुछ विकासात्मक प्रोग्राम होते हैं और सर्विस उपलब्ध होती है, जैसे में एजुकेशन का सेवा, फिर हेल्थ की सेवा, फिर रोजगार के लिए एम्प्लॉइंग की सेवा, फिर सामाजिक कल्याण के लिए या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए होता है, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके और टैक्स से प्राप्त जो धन को यूज प्राकृतिक आपदाओं में होता है, जैसे मान के चलिए अभी कोरोना संकट आयल है, फिर बाढ़ आ जाएगा, फिर भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, उस समय हमें राहत दिया जाता है इन्हीं टैक्स के पैसों से जो सरकार को हम लोग देते हैं। जैसे मैं अभी कोरोना संकट में भी सरकार हमें
बहुत सारे लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रही है, तो वो कहाँ से बांट रही है? वो हम ही लोगों को, जो टैक्स के रूप में हम लोग सरकार के देते हैं मनी, उसी का वो सभी लोगों में अनाज के रूप में बांट रही है और दे रही है। और स्पेस में यानी क्लियर में या मिसाइल आदि में से संबंधित जो प्रोग्राम होता है वो भी टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू से ही चलाया जाता है। ये अंतरिक्ष परमाणु प्रक्षेपास्त्र को भी टैक्स के पैसा से ही चलाया जाता है, ठीक है? तो ये हुआ टैक्स। इसलिए सभी लोगों को टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। जब तक टैक्स नहीं दिया जाएगा तब तक सार्वजनिक काम नहीं हो सकता है, ठीक है? ओके। और फिर हेल्थ सर्विस का एक और इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जैसे कि कोई सी बीमारी को जैसे में टीबी हुआ, मलेरिया हुआ, पीलिया, दस्त लगना है, हैजा है, चिकनगुनिया को फैलने से रोकना होता है, ये भी काम किसका है? हेल्थ सर्विस का ही एक काम है। इन सब की व्यवस्था गवर्नमेंट को लोगों की सहायता से करनी होती है, नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा, इसमें वहाँ के जो लोग हैं, आम जनता हैं, उसको भी इसमें हेल्प करना होता है, नहीं तो यह जो प्रोग्राम चलाया गया है वो सफल नहीं हो सकता है। जैसे में इसलिए मच्छर को पैदा होने से रोकने के लिए जो अभियान चलाया जाता है उसे सफल बनाने के लिए सभी लोगों को अपने कूलर का या घर के छत का पानी या फिर अपने आसपास के जितना भी पानी या नाली के जमाव है उसे नहीं होने देना चाहिए, और सभी लोगों को खुद से अपने आसपास के एरिया को साफ रखना चाहिए ताकि मच्छर पैदा ना हो सके और लोग बीमारी से बच सके और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें लोग, ठीक है? ओके। फिर हमारे संविधान में भी क्या है जी, कि लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सभी लोगों को हेल्थ सर्विस प्रदान करना गवर्नमेंट का ही फर्स्ट कर्तव्य होता है, ये प्राथमिक कर्तव्य है, ऐसा संविधान में भी लिखा गया है। फिर गवर्नमेंट को हर व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना भी गवर्नमेंट का ही कार्य है। फिर कोर्ट ने भी यह कहा है कि गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि हम मरीजों की आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें इमरजेंसी इलाज की भी सुविधा हो और हॉस्पिटल और उसकी स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिससे कि सभी लोग यानी कि गरीब से गरीब लोग भी का इलाज हो सके, ठीक है? इसीलिए पब्लिक हेल्थ सेंटर को बनाया गया है, ठीक है? फर्स्ट में। फिर सेकंड में है निजी स्वास्थ्य सेवाएं यानी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तब इसमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज में हमारे देश में कई तरह के प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज चलाई जाती है। यहाँ पर बड़ी संख्या में डॉक्टर लोग, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में डॉक्टर लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिलते हैं ते हैं और अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिसमें से बहुत से स्पेशलिस्ट सर्विस देते हैं, और शहरों में प्राइवेट क्लिनिक एंड नर्सिंग होम भी हैं और काफ़ी संख्या में लेबोरेटरी है यानी प्रयोगशाला है जिसमें टेस्ट करते हैं ते हैं और भी कई सुविधाएं हैं, जैसे में एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ आदि की व्यवस्था होती है। ये क्या है, ये प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी नाम से ही पता चलता है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है, प्राइवेट होता है, आम लोगों के कंट्रोल में होता है, निजी आदमी के हाथों में होता है। पब्लिक हेल्थ सर्विस की विपरीत
इस प्राइवेट हेल्थ सर्विस में मरीजों को हर फैसिलिटी के लिए, हर सेवा के लिए, सर्विस के लिए बहुत सारा पैसा लेता है। आज जो है कि हमारे चारों ओर प्राइवेट हेल्थ सर्विस ही दिखाई देती है। वे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो हॉस्पिटल को चलाती है, और कुछ कंपनियां दवाई को बनाने और बेचने में लगी हुई, जिससे क्या है सिटी के हर एक कोने कोने में भी दवाई की दुकान खुल गई है। ठीक है, इस प्रकार से हेल्थ सर्विस को दो भागों में बांटा गया था, एक है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, ओके।